और अभी आपको बताएं कि यूरोपीय मुल्क स्वीडन ने कोरोना वायरस के दौरान सख्त लॉकडाउन न करने से होने वाली अमवात पर मुल्की पॉलिसियों को नाकाम करार देते हुए अपनी गलती का एतराफ कर लिया है। बैनुल अक्वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पर पॉलिसी बनाने वाले स्वीडिश डॉक्टर तेगनेल ने तस्लीम किया है कि जानलेवा वायरस के बावजूद सख्त लॉकडाउन ना लगाना बड़ी गलती थी। स्वीडिश डॉक्टर ने कहा है कि हमारी पॉलिसी बहुत बेहतर हो सकती थी, अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो सख्त लॉकडाउन लगाएंगे। स्वीडन में पड़ोसी मुल्कों से कहीं ज्यादा अमवात हुई है। उन्होंने कहा है कि सख्त लॉकडाउन की वजह से फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क में अमवात की शरह बहुत कम रही है, तहम स्वीडन में कोरोना से 4,500 अमवात रिपोर्ट हुई है। उन्होंने कहा है कि 10 मिलियन आबादी वाले मुल्क स्वीडन में सख्त लॉकडाउन न होने से 4,468 अमवात और 38,589 मुतासर हुए हैं, जबकि सख्त लॉकडाउन वाले ममालिक डेनमार्क में सिर्फ 580, नॉर्वे में 237 और फिनलैंड में 320 अमवात हुई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि तजुर्बे से अपनी गलतियों का अंदाजा हो गया है, सीखने को मिला कि हमने कोरोना वबा में क्या इकदाम किए हैं और दुनिया ने क्या किया।